सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, एक डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा, और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे।